आपको फटाफट अंदाज में जरा टॉप 10 कार लॉन्चेस भी दिखा देते हैं। तो आपको बताएं कि मारुति ने अपनी मच अवेटेड कार स्विफ्ट के नए वर्जन से पर्दा उठा दिया। नई स्विफ्ट में 1200 सीसी का इंजन लगा है, साथ ही ये पेट्रोल डीजल इंजन वेरिएंट में मिलेगी। पुरानी स्विफ्ट के मुकाबले नई स्विफ्ट में ज्यादा जगह है। ये गाड़ी पुरानी गाड़ी से 12 किलो हल्की है, जिससे इसकी माइलेज में भी सुधार हुआ है। नई स्विफ्ट की अनुमानित माइलेज 24-28 किलोमीटर प्रति लीटर है। ऑटो एक्सपो की शुरुआत में मारुति सुजुकी ने दुनिया के सामने पेश की अपनी कॉन्सेप्ट कार फ्यूचर एस। यूं तो ये कॉम्पैक्ट कार है, लेकिन इसमें लुक और फीचर्स एसयूवी के दिए गए हैं। कंपनी ने यह कार युवाओं को फोकस करते हुए बनाई है। इस नई कार में पिछली कार के मुकाबले कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फ्रंट की बात करें तो इसका ग्रिल और बम्पर भी बदला हुआ नजर आएगा। ऑटो एक्सपो में हुंडई की नई गाड़ियों की झलक भी देखने को मिली। हुंडई ने एलीट i20 को पेश किया। एलीट i20 के लुक में बदलाव किया गया है, इसे पहले के मुकाबले बेहतर बनाया गया है। एलीट i20 में अलॉय व्हील्स हैं, वहीं फ्रंट की बात करें तो इसका ग्रिल और बम्पर भी बदला हुआ दिखेगा। बदलते दौर के साथ हुंडई भी इलेक्ट्रिक कार की ओर कदम बढ़ा रही है। इस ऑटो एक्सपो में पेश की हुंडई ने आयोनिक इलेक्ट्रिक कार। इस कार की खासियत उसके लुक्स है, जो कार दीवानों को बेहद भा रही है। कोरियन कंपनी किया मोटर्स ने भारत में पहली बार मेड फॉर इंडिया एसयूवी एसपी कॉन्सेप्ट को शोकेस किया। इसको कंपनी ने इस एसयूवी को विशेष तौर पर भारतीय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया। ऑटो एक्सपो 2018 में पेश हुई इस कार को किया मोटर्स भारत में 2019 में लॉन्च करेगी। ऑटो एक्सपो 2018 में टाटा मोटर्स ने अपनी नई एसयूवी H5X से पर्दा उठाया। इस एसयूवी को कंपनी ने कुछ दिन पहले ही टीज किया था। एसयूवी H5X को लैंड रोवर के डिस्कवरी स्पोर्ट मॉडल पर तैयार किया गया है, जिसकी शानदार गाड़ी है। जितनी ये शानदार है, इसका लॉन्च भी वैसा ही हुआ। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार यहां पर पहुंचे। आने वाला समय ई व्हीकल्स का है, और यही वजह है कि सभी कंपनीज अपनी कारों के ई मॉडल लेकर आ रही हैं। इसी कड़ी में टाटा ने ऑटो एक्सपो में टियागो का इलेक्ट्रिक वर्जन शामिल किया। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में इन गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी। होंडा ने नए बोल्ड लुक के साथ होंडा अमेज को एक बार फिर से पेश किया। इस गाड़ी को नया अंदाज देने के लिए इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में बदलाव किए गए हैं। साथ ही अमेज में 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन की सुविधा होगी। इस गाड़ी को होंडा फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में बाजार में उतारने की योजना बना रही है। होंडा सीआरवी पहली बार डीजल वेरिएंट में आ रही है। सीआरवी में एक और खास फीचर जो होंडा ने ऐड किया है वो ये कि थर्ड रो सीटिंग, यानी अब ये 5 के बजाय 7 सीटर होगी। साथ ही इस एसयूवी में बोल्ड और नए स्टाइल के एलईडी हेडलाइट्स टेल लाइट्स होंगे। प्रीमियम सेडान सेगमेंट को एक बार फिर से जिंदा करने के लिए होंडा सिविक भारतीय बाजार में वापस आ रही है। होंडा अपनी प्रीमियम मॉडल सिविक का 10th जनरेशन मॉडल उतारने जा रहा है। इसकी खास बात यह होगी कि इस कार के डिजाइन को पहले प्रीमियम और स्पोर्टी किया गया है। इसके साथ ही ये कार पहले से ज्यादा स्पेशियस हो गई है।